नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजमोहन सिंह और हमारे साथ एक खास नेता यहां मौजूद हैं, दमनवीर सिंह फिल्लौर। काफ़ी पहले अकाली दल में थे, उसके बाद चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में आए। इनके ऊपर आरोप लगा था कि ड्रग्स का जो पूरा कारोबार है उसमें ये भी कहीं ना कहीं मुलव्विज़ हैं, ये भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। तो आज काफ़ी विस्तार से बात करेंगे अलग अलग मुद्दों पर, डिफरेंट इशूज़ पर जो पंजाब के हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे कि फिलहाल जो सरकार है वो किस तरह से काम कर रही है, या अकाली दल की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पे उसमें क्या हकीकत है। तो इन सब तमाम चीज़ों को लेकर दमनवीर जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक सवेरा में। दमनवीर जी, जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पहले हम जाँच की बात कर लेते हैं। जो ईडी की जो भूमिका रही है अभी तक, जो जाँच चली है, उससे कहाँ तक आप संतुष्ट हैं? देखो, ईडी एक जांच एजेंसी है जी, जिसने जो फेमस पीछे ड्रग रैकेट है उसकी जांच शुरू की। तो मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि जो जांच है, कोई भी डिपार्टमेंट है या कोई ऑफिसर है या कोई सरकारें हैं, उनको बिल्कुल निरपक्ष होके, विदाउट पिक एंड चूज और बायस ना होके जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो करनी चाहिए। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई मौजूदा सरकार का आदमी है, उसका प्रेशर है, उसको छोड़ दिया जाए, दूसरे को पकड़ लिया जाए। तो एक ना एक दिन जो भारत का एक संविधान है जी, दूसरी लोगों की जो शक्ति है, पब्लिक सब जानती है, एक ना एक दिन सारी जो परतें हैं वो धीरे 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 खुलती जाएंगी। सो ठीक है, वो अपना काम कर आप लोग राजनीति में सालों से, आपके पिताजी 6 times वो अकाली दल के साथ एमएलए रहे पंजाब में, काफ़ी एक टॉल फिगर रहे पंजाब के पॉलिटिक्स में। आप लोग कांग्रेस में आए तो शायद किन्हीं वजहों से टिकट नहीं मिली, तो क्या आपको कभी इस तरह की फीलिंग आई कि अकाली दल से आपको रॉ डील मिला, ठीक से जो आपका योगदान था आपकी फैमिली का उसको ठीक तरह से रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, और उसके बाद ये सब सारे जो ड्रग्स का मामला लेके आया उससे आपके परिवार पर कहीं ना कहीं आक्षेप लगा, एक एलिगेशन लगा बहुत बड़ा? देखो, हमारा जो सियासी जीवन है वो सेवा भावना वाला है। फिलौर साहब ने जो सियासी जीवन है वो अपना 1977 में पहली बार शुरू किया था, और वो उससे पहले जॉब करते थे। ही वाज वो फूड सप्लाई में एज अ गवर्नमेंट जॉब थे, इंस्पेक्टर थे। तो उस समय जो हमारे गांव के अकाली दल के लीडर थे वो बहुत करीबी थे फिलौर साहब के। उन्होंने कहा कि जॉब छोड़िए और लोगों की सेवा का मन बनाइए। तो उस टाइम के जो अकाली दल के लीडर्स होते थे वो एक सिद्धांतक सोच, प्रिंसिपल्स वाले लोग थे। तो फिलौर साहब ने उनकी मान ली, क्योंकि बुजुर्ग थे, हमारे आदर्श थे, तो उनकी मान के उनका वही दिया हुआ शब्द कि सेवा करनी है, उसको लेके इस जो प्रोफेशन लगा लो या ये जो सेवा का पूरा ये है सियासत, उसमें आ गए। और 77 के बाद अकाली दल में उस समय उन्होंने पहली इलेक्शन लड़ी एज ए एमएलए, और पहले ही बार भगवान की कृपा और लोगों का साथ मिला, और उसके बाद 6 बारी लगातार, इसमें एक बार जरूर बिल्कुल साथ लड़ी हैं, एक बार रह गए। तो 6 बार जो है लोगों का साथ और भगवान की कृपा से उन्होंने 6 इलेक्शनें जीती। दमनवीर जी, आपका एक मीडिया में रिपोर्ट देख रहा था जिसमें आपने कहा है कि आपको निशाना बनाया जा रहा है, जबकि दूसरे जो सीनियर अकाली लीडर्स थे जिनके नाम ड्रग्स में, जो ड्रग्स रैकेट था उसमें शामिल था, लेकिन उसको, उस केस को उस तरह से परस्यू नहीं किया जा रहा। तो इसको थोड़ा हम चाहेंगे कि इसको विस्तार से बताइए कि आपका स्पेसिफिक एलिगेशन क्या है। देखिए, ये तो बात अब सारा सूबा ही, सारा जो स्टेट है पंजाब ही बोल रहा है, यही तो फतवा लोगों ने दिया है। अकाली दल की सबसे बड़ी हार इस बार, जब से पार्टी बनी है सबसे बुरी तरह जो हार हुई है वो इस बार हुई है, अपोजिशन भी नहीं बन सके, यही कारण है। लोगों का फतवा है, उन्होंने, उनको पता है कि क्या सच है, लेकिन वो अपने दबाव से या किसी तरीके से अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। देखो, अब आप फिलौर साहब को भी पीछे आपने पढ़ा होगा कि हमारा प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर कर दिया। चलो, अब मैं बोलना नहीं चाहता था क्योंकि कोर्ट में है केस, ऑलरेडी इट्स इन द कोर्ट नाउ। तो
अब उनके ऊपर क्या लगाया कि जी इन्होंने किसी, इनका डायरी में नाम आ गया गाबा की, इन्होंने पार्टी फंड ले लिया, इलेक्शन के लिए फंड लिखा हुआ है उसमें। एक तरफ किसी गाबा की डायरी की जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी लिख ले मैं आपका नाम लिख लूँ 2 लाख, और वो भी उसका आगे लिखा है 2 लाख इलेक्शन फंड, जिसमें किसी और का नाम भी नीचे, उसने एक नेता का और नाम लिखा, उस पर लिखा 1 लाख इलेक्शन फंड, उसको कोई आज तक नहीं पूछा गया। और दूसरी तरफ जो जगजीत चाहल हैं, जिनको अक्यूज्ड कहा गया है, और अभी उन्होंने बड़ा, हम नहीं कहते हमारी इन्वेस्टिगेशन कर लो, लेकिन सबकी करो ताकि चीज़ें क्लियर हों। जगजीत चाहल ने ईडी की जो स्टेटमेंट है वो एडमिसेबल है कोर्ट में, उसके अपने स्टेटमेंट में कहा है कि मैंने जो 35 लाख रुपया है विक्रम सिंह मजीठिया साहब को दिया है, जो उस समय बड़े पावरफुल मंत्री थे, तो उसके पास, अब ईडी ने बोल दिया कि वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। दूसरी तरफ ईडी ये भी बोलती है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम अगर किसी के पास जाते हैं तो वो भी क्रिमिनल है। तो वो वहां जाके वो कहते नहीं, इनके ऊपर ये नहीं लगता, ये ले सकते हैं, लेकिन आपको अगर किसी ने 2 लाख रुपया इलेक्शन फंड दे दिया तो आपके पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आ गए। सो कहने का मतलब यहाँ जो है वो वितकरा हुआ है। आप ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये मेरा एलिगेशन नहीं है साहब, ये तो अब फैक्ट बन चुका है, ये कागजों में चीजें हैं, मेरा एलिगेशन नहीं है हमारा। अब तो ये तो यही तो फतवा पंजाब के लोगों ने दिया है। आपने कई बार बयानों में कहा कि जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं पंजाब से, हरसिमरत कौर बादल, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और कौन कर रहा है, ताकतवर कौन है? सरकार की एजेंसियां हैं, सेंट्रल सरकार की एजेंसियां हैं। हम उनको तो चाहिए था कि किसी भी, देखो सियासत, लोग बड़े सियासी जीवन में बहुत कुर्बानियां भी करनी पड़ती हैं, अपना आप त्यागना भी पड़ता है। अगर आप अपना कोई सेल्फिश गोल लेके कि ये मेरा रिश्तेदार है या ये मेरा साख संबंधी है, मैं उसको ज़्यादा देर चला के बड़ी अच्छी जो राजनीति है वो नहीं कर पाएंगे, हम इंसाफ नहीं दे पाएंगे जो देश मांग रहा है, जो सूबा मांग रहा है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इट इज अंडर प्रेशर, दबाव के तहत काम कर रही है, और सही तरह से जो जांच होनी चाहिए, जिन लोगों तक जांच पहुंचनी चाहिए, वहां पहुंच नहीं पा रही है। देखिए ये तो अब सिद्ध हो गया है, अब उनको तो 15 मिनट में फ्री कर दिया इन्वेस्टिगेशन में। अब हमें 4 साल इन्वेस्टिगेशन करके और वो प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर एक थमा दिया जिसमें भी कुछ नहीं है, कोर्ट में चले। तो आपको उम्मीद है कि आप निकल जाएंगे ये जो पूरा का पूरा जो एक एलिगेशन का, कि हमारी इन्वेस्टिगेशन चले और चले कोई बात नहीं, लेकिन जो बराबर के जिनके ऊपर पूरा सूबा दोष लगा रहा है, पूरा भारतवर्ष दोष लगा रहा है, उनको एक बार आके कटहरे में खड़ा तो कर लो, इन्वेस्टिगेशन तो कर लो, ठीक है वो निकल जाए साफ, वो भी निकल सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो हो, यहाँ पब्लिक को जवाब देने वाले तो होंगे, यही मुद्दा तो रहा। माना कि ईडी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, लेकिन यहाँ सरकार अब कांग्रेस पार्टी की, और कैप्टन साहब ने ये वादा किया है एसटीएफ बनाने के बाद कि वो 3-4 महीने के अंदर कुछ न कुछ ठोस इसमें निकाल के लाएंगे, और ड्रग का जो पूरा कारोबार चल रहा है पंजाब में उसके ऊपर लगाम लगाएंगे। साहब अभी तो पूरा 80 दिन भी नहीं हुए पूरे, आई थिंक 80 या 85 दिन हुए हैं एसटीएफ, तो उसके बाद उसको तो बने हुए 80 दिन भी नहीं हुए होंगे, धीरे धीरे कार्रवाई चल रही है, इंटरनली सब कुछ चल रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा आसार है कि कामयाबियां बिल्कुल मिलेंगी। आप रेत और बजरे का जो पूरा का पूरा व्यापार है उसमें कांग्रेस के मिनिस्टर राणा गुरजीत सिंह के ऊपर आक्षेप लगा, एलिगेशन लगा, उसके बाद वन मैन जुडिशियल कमीशन भी बना, चीफ मिनिस्टर साहब ने बनाया, तो क्या आज जो पूरे स्टेट में धरना हो रहा है कांग्रेस के खिलाफ में एक मुहिम बना रही है कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, इसको आप सपोर्ट करते हैं क्या साहब? इसके पीछे एक बहुत बड़ी, एक अगर आपके पास समय हो तो मैं बताना चाहूँगा कि इसके पीछे प्लानिंग क्या है। हमने पूरा जीवन अकाली दल में लगा दिया है, हमें पता था क्या है क्या नहीं, हम आज भी हम उनकी पूरी प्लानिंग हमें पता है वो कैसे काम करते हैं। ये प्लानिंग तब शुरू हुई है जब से लोगों ने उनको इतनी बड़ी हार उनकी झोली में डाली है। उसके बाद पहली कोर कमेटी में जो हुआ आप जानते हैं, उसमें
नोक झोंक भी हुई, सवाल भी हुए कि नैतिकता के आधार पे आज तक कोई भी बड़ी पार्टियां हो या कुछ हो तो सबसे पहले जो चीफ होते हैं पार्टी के, जो प्रेसिडेंट होते हैं, वो अपना इस्तीफा पेश करते हैं। तो आपका निशाना किसकी तरफ? मेरा निशाना नहीं कोई भी, कोई मतलब ग्लोबली, मतलब कहीं तो आप मतलब ग्लोबली कर रहे हैं? नो, आज तक जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप खुल के बोलिए, आप तो कांग्रेस पार्टी में, आपको क्या डर है? मुझे डर नहीं है। मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूं। कोई भी पार्टी हो आज तक भारत में या ग्लोबल, जब पार्टी बुरी तरह हारती है तो सबसे पहले जो उसका चीफ होता है वो अपना इस्तीफा नैतिकता के आधार पे पेश करता है। ये करना था या नहीं था, ये प्लान में है या नहीं है, या पहले था, मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं। लेकिन दो अकाली दल में बटा हुआ है। आपके अंदर कहीं ना कहीं अकाली दल का DNA अभी भी है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको, इसीलिए बता रहा हूँ कि दो अकाली दल में बटा हुआ है। एक है सिद्धांतक, जो सिद्धांतों पे चलता है अकाली दल, जिसको प्रिंसिपल्स, जो अकाली दल की जो सिद्धांत थे उस पे चलता है। एक है सेल्फिश अकाली दल, स्वार्थी अकाली दल। पिछले 5-7-10 साल से स्वार्थी अकाली दल ने सिद्धांतक अकाली दल को दबोच लिया है, और सेल्फिश अकाली दल है जो अपने हिसाब से प्ले कर रहा है सारे अकाली दल को। और वो सेल्फिश जो अकाली दल है, वो अब जब इतनी बड़ी हार हुई, क्योंकि वो कंट्रोल कर रहे थे, तो मुद्दा कोर कमेटी में उठना था, उठा भी। वहाँ बड़े सीनियर लीडर बैठे थे, जो पुराने अकाली हैं, जिनके अभी भी सिद्धांत हैं, उनके मन में दर्द है अकाली दल के लिए, जो किस सोच पे चला था, शहीदों की जथेबंदी थी। आज तो ये सेल्फिश इन लोगों ने जो आए हैं, इन्होंने ये अपने लालच, अपने वश को, इसको सारा अपने तरीके से ताना बाना बना लिया। ये जथेबंदी बहुत पुरानी जथेबंदी थी, और इसका कोई प्रिंसिपल्स थे, और वो लोगों ने वहाँ कोर कमेटी में जब ये मुद्दा उठाना चाहा, और ये उठा भी कि हमें पुराने बादल साहब ही मंजूर हैं, प्रधान वही बन जाएं, तो अब उसके बाद एकदम एक्टिविटीज शुरू हो गई कोर कमेटी में। कि फिर उन्हें लगा, जो सेल्फिश अकाली दल है, कि ये तो ये क्या हुआ हमारे साथ, हम कोर कमेटी भी बदल देंगे। अब देखो साहब, यहाँ तो बहुत बड़ी जीत हुई होती है। अब एक जर्नैल है, उनको फतवा तब दिया जाता है, उनकी प्रमोशन तब होती है जब वो जंग जीत के आए। तो एक जर्नैल हैं हमारे इधर माजा एरिया से, जो उनको बोलते हैं अकाली दल वाले जर्नैल हैं, वो तो जंग हार के आए हैं, वो तो जंग सारा माजा हरा के आए हैं, और उनको फतवा दे दिया, मेडल दे दिया कोर कमेटी में शामिल करने का। हालांकि अब कांग्रेस में है, तो ये सारा जो चल रहा है, लोग बड़े सयाने हैं, और जो असल अकाली दल वाले हैं वो भी बड़े परेशान हैं, जिनका ये हक बनता है, जिनकी सोच अकाली है, वो भी बड़े परेशान हैं साहब। ये सब ये फेलियर की तरफ जा रहा है। अकाली दल को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं, ये अपने आप ही फेल हो जाएंगे इसी में। अच्छा, एक सवाल आपसे जाते जाते कांग्रेस के बारे में पूछ लेते हैं। 3 महीने का तकरीबन वक्त गुजर गया कैप्टन साहब का, एक जो हनीमून पीरियड होता है वो तकरीबन ख़त्म होने को है। तमाम पक्षों की तरफ से दबाव बन रहा है सरकार के ऊपर कि सरकार बहुत कुछ नहीं कर पा रही है, जिस तरह से वादे करके आई थी। तो कैप्टन साहब सरकार की जो परफॉर्मेंस है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? साहब अभी तीन महीने भी आई थिंक गुजरे होंगे, मैं 3 साल की बात करता हूँ। अभी इन्होंने धरने में कहा कि हम फार्मर्स के बड़े हितैषी हैं, किसानों के बड़े हितैषी हैं, किसानों के साथ धक्का हो रहा है। यह हरसिमरत जी का बयान है कि हमें स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की कोई जरूरत नहीं है, और इनका मैनिफेस्टो का 28 नंबर पेज है यहाँ। इन्होंने कहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम 50% जो है वृद्धि करेंगे। वहां तो 3 साल हो गए, आप सेंटर की सरकार में हैं, आप वहां से लाके किसानों को वहां से तो आप जो उनका एक दर्द है उसको ठीक कीजिए। आज पूरे भारतवर्ष में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भारतवर्ष में? तो साहब ये ड्रामे हैं। अब दलितों की बात की गई आज धरने में, पहले रेत की बात। देखो अकाली दल जो भी बात करेगा उसमें खुद ब खुद फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि जो टीम है स्वार्थी अकाली दल वाली टीम है, वो खुद तो वो काम करती रही है,
जब रेत की बात, ये अगर रेत पे धरना लगाएंगे तो इनके बंदे वो सवार थे अकाली दल रेत में उलझे हुए हैं, स्टेटमेंट्स हैं ईडी में, ये लिखकर की बात करेंगे तो ये पहले लिखकर का काम करते रहे उसमें उलझ जाएंगे, ये किसी भी मुद्दे पे नहीं खड़े हो सकते। नशे की बात करेंगे तो नशे का मुद्दे में ये खुद उलझे हुए हैं पहले ही, उसको किसी तरह से दबाव से इन्वेस्टिगेशन को रोक रखा है, वो आज नहीं कल होनी होनी है, लेकिन लोगों की कचहरी में ये पूरे दोषी हैं और लोगों को पता है कौन कहाँ क्या है कैसे है, लोग बड़े सब कुछ जानते हैं। सो ये कोई मुद्दा लेके आएंगे उसमें पहले ही फंसे हुए हैं। सो उसके बाद आप बात कर लीजिए अब दलितों के अत्याचार की, कि हम दलितों पे बड़ा अत्याचार चल रहा है इसका बड़ा, ये भी ड्रामा है। आप मेरे पास तो डाटा है साहब जी ये देखिए जो कंप्लेंट्स हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट में वो 651 से लेके 12,834 तक पहुंच गई थी 2007 से लेके, तो गवर्नमेंट तो अभी, लेकिन एक चीज आपको नहीं लग रहा है कि तो भीम टांक वाला क्या हुआ जी? तो 20 साल का एक वो लिखकर माफिया ने दलित जो था उसको मानसा में क्या हुआ, दो दर्जन दलित फैमिलीज जो संगरूर में थी वो लैंडलॉर्ड्स में, जो इनके लैंडलॉर्ड्स थे लोगों के, उनको उनके साथ क्या हुआ? दमनवीर जी एक सवाल तो सबसे बड़ा ये, उठ रहा ये है। और उससे सबसे बड़ी बात, और जितने भी दलित लीडर हुए हैं अकाली दल में इन्होंने उनको हमेशा नीचे रखने की कोशिश की है। किसी पे भी सवाल किसी पे क्वेश्चन आया, देखो पिछली वजारत में भी क्वेश्चन सही का किसी पे भी लग सकता है, किसी पे भी कोई मुद्दा बन सकता है। जितने जनरल कैटेगरी के लोग आए किसी को इस्तीफा नहीं लिया गया अकाली दल में, पिछली सरकार में इस्तीफा पहले किसका लिया गया? रणिके साहब का। क्या उनका दोष ये था कि वो दलित फैमिली से आए थे? आप इस उसके बाद लड़ी लगा दी आप फ्लोर साहब डिफरेंट अविनाश चंद्र जा रहे जी, तो ये दलितों के तो आप ये, अपने आप को शो ना करें कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि दलितों के है ये जो कि अकाली दल दलितों का हितैषी नहीं है साहब, उनके बारे में नहीं सोचता। अच्छा चलो एक मान मैं आपको बात बताता हूँ, और सबसे ज्यादा दलित पॉपुलेशन दुआबे की है, ठीक है जी। दुआबे में अब दलितों ने सबसे ज्यादा इनको फिर से जिता दिया, 4 सीटें हैं इनकी शायद, 4 या 6 हैं आई थिंक सो। तो कोर कमेटी अब जब बनाने लगे थे तो एक दलित ले लेते दुआबे से, नहीं सब पता है। तो ये चीजों मैं नहीं कह रहा, ये फैक्ट्स कह रहे हैं, फिर कैसे कह सकते हैं? काफी इश्यूज हैं पंजाब के बारे में बात करने के लिए, तो आपसे हम लगातार बात करेंगे। काफ़ी सारे मुद्दों पे बात हुई, सैंड माइनिंग से लेके ड्रग्स का क्या चल रहा है, दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में क्या चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में दमनवीर सिंह विचार रखते हैं, और इन्होंने खुल के सारी चीज़ें खुल के रखी हैं। इनके ऊपर जो पर्सनली आरोप लगा है ड्रग्स रैकेट में, उसके बारे में भी इन्होंने कहा है कि 4 साल भले ही 4 साल लगे लेकिन ये चाहते हैं कि ईडी को पूरा वक्त मिले, जिससे ये जो पूरा का पूरा घोटाला है ड्रग्स का, जो स्कैम है पंजाब में, जिसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया था चुनावी मुद्दा, उसमें से सच्चाई क्या है वो निकलकर पंजाब की जनता के सामने आए। जलंधर से ब्रजमोहन सिंह, दैनिक सवेरा टीवी के लिए।